हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज ट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आज हो चुकी है 30 जून 2024, वार है रविवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है 15 बड़ी घोषणा। वह गरीब परिवारों को मिलेंगे 80,000 रुपये बैंक अकाउंटों में, और ये सोमवार से आपके बैंक अकाउंट में जारी भी कर दिए जाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। उसके साथ साथ लड़कियों को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। बिजली फ्री मिलनी आपको शुरू हो चुकी है। पेंशन 500 रुपए बढ़ाई जाएगी। वहीं LPG गैस सिलेंडर, मकान व हम बात करेंगे BPL के राशन कार्ड पर सरकार ने क्या नई घोषणा की है। उससे पहले आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने गांव, शहर या राज्य का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहां से वीडियो देख रही हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा टीम इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप। अब हम चैम्पियन हैं। आप सभी को बता दूं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में पूरे देश भर के लोगों का दिल जीत रहे हैं। नई नई योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आ जाती है लेकिन गरीब परिवारों तक पहुंच ही नहीं पाती है, ना उनको पता चलता है कब योजना आ जाती है, कब योजना चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको मैं प्रत्येक जानकारी समय से पहले ही बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गरीब परिवारों को 80,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 जुलाई 2024 सोमवार से जारी किए जाएंगे बैंक अकाउंटों में। जिन्होंने जनवरी 2024, फरवरी, मार्च 3 माह के अंदर अंदर फार्म भरे थे मकान मरम्मत के लिए। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री मकान मरम्मत फार्म भरा था जिन्होंने भी, उनके 80,000 रुपये सोमवार से उनके बैंक अकाउंटों में जारी होने वाले हैं। आपको बता दें, सभी के फार्म जो है वो सरकार ने पास कर दिए हैं। वहीं हम बात करें, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि अभी मकान मरम्मत का फार्म भरना चाहते हैं। उनके पास मकान तो है लेकिन जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। उन सभी के लिए खुशखबरी है, सरकार ने एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। 15 जुलाई तक आप फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास भी BPL का राशन कार्ड है वो अप्लाई कर सकता है, और जिनके पास मकान टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, टीनों वाला मकान है या कच्चा मकान है, वो भी आवेदन कर सकता है। सरकार 80,000 रुपये की जो राशि है वो सीधे तौर पर बैंक अकाउंटों में ट्रांसफ़र करती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है और आपको जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लिया था। आप लगातार सुन रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि पेट्रोल डीजल जो है उसको GST के दायरे में सरकार लेके आएगी, लेकिन अभी तक भी सरकार GST के दायरे में नहीं लेके आ पाई। आपको बता दें, 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और एक और हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में सरकार GST के दायरे में पूरा प्रयास करेगी कि 28% GST लगा करके पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, जिससे काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवारों को राहत मिले। आपको बता दें, लगातार 100 रुपये से ज़्यादा के जो दाम हैं वो पेट्रोल और डीजल के चल रहे हैं हमारे देश में। 20 रुपये अगर सस्ते होते तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई जो है वो कंट्रोल में आएगी। तो जैसे ही दाम घटेंगे आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। जितने भी पेंशन लेते हैं हमारे देश में, चाहे वो बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं, दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है। सरकार आने वाले जुलाई के महीने में 500 रुपये की बढ़ोतरी पेंशन में कर सकती है। जी आपको बता दें, लगातार कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अभी भी आपको 2,000 रुपये से 3,000 रुपये की जो पेंशन है वो प्रोवाइड करवाती है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो पेंशन है वो हरियाणा में है। फिलहाल 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। अब वहाँ पर भी 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो सरकार कर सकती है। आपको बता दें, लगातार पेंशन को लेकर हाहाकार मचा रहता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंशन अभी भी 1,000 रुपये ही है। जैसे कि हम बात करें राजस्थान, वहां पर 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,500 रुपये सरकार कर सकती है।
बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है और आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा आज खुशी महसूस होगी। जिन्होंने भी फ्री बिजली योजना के लिए आवेदन कर दिया था, उन सभी को अब फ्री बिजली जो है वो आज से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने सोलर पैनल लगाने का जो काम है वो तेज़ी से शुरू कर दिया है। और भाई आपको बता दें, जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड था, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से भी कम थी, ऐसे परिवारों को सरकार 1,10,000 रुपये तक की राशि का जो सोलर पैनल है, सोलर सिस्टम है, उनकी घर की छत पर लगा करके दे रही है, ताकि वे अपने आराम से बिजली बनाएं, अपने घर में ही यूज करें। और ज़्यादा बिजली अगर आपकी बन जाती है तो आप सरकार को बिजली बेचें और सरकार आपको पैसे देगी। बहुत बड़ी स्कीम है और सरकार ने इसके लिए पोर्टल अभी भी खोला हुआ है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर लें। इसके लिए गरीब परिवार भी आवेदन कर सकता है, मिडिल क्लास परिवार भी आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई गरीब परिवारों के लिए ही ये फ्री बिजली योजना है, ये मिडिल क्लास परिवार वालों के लिए भी फ्री बिजली योजना है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3,00,000 रुपये तक है। बात करेंगे, सरकार ने बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर ली है प्रधानमंत्री आवास योजना की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना की सरकार ने लिस्ट तैयार कर ली है। इस बार जुलाई के महीने में तकरीबन 20 लाख परिवारों को अब सरकार आवास प्रदान करेगी। गांव में रहने वाले लोगों को 100-100 गज का प्लॉट देगी, शहर में रहने वाले लोगों को 20-20 गज का, 30-30 गज का प्लॉट देगी, या फिर आपको फ्लैट देगी। फ्लैट में आपको 2 कमरे, लैटरिन, बाथरूम, उसके साथ साथ आपको रसोई, वह आपको LPG गैस सिलेंडर का कनेक्शन आपको देगी, बिजली का कनेक्शन आपको देगी, पानी का आपको कनेक्शन देगी। सरकार पूरा पूरा जो घर है वो बना करके आपको सौंपेगी। सरकार ने ऐलान कर दिया, जो भी आवेदन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है भाई। सरकार ने अभी अभी बहुत बड़ा ऐलान किया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगर आपके घर में लड़की है या फिर खुद आप लड़की है और आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, अगर आप अपने परिवार की लड़की की शादी करना चाहते हैं तो लड़की की शादी में अब सरकार आपको 1,00,000 रुपया देगी। आपको बता दें, आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करवा लें। लेबर कार्ड जिनका भी बना हुआ है, सरकार ने उनको 1,00,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। जिनके पास भी बीपीएल का राशन कार्ड है वो लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें, लेबर कार्ड यानी कि लेबर के परिवार की अगर बिटिया की शादी होती है तो सरकार 1,01,000 रुपये की राशि उनके बैंक में ट्रांसफ़र करेगी, ताकि वे अच्छे से अपनी बिटिया की जो शादी है वो कर पाएँ। वहीं जिनके पास लेबर कार्ड नहीं है, बीपीएल का ही राशन कार्ड है, ऐसे लोगों को सरकार 71,000 रुपये की राशि जारी करने वाली है। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं सरकार लेके आएगी, सभी की जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। आप YouTube चैनल पे ज़रूर ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा WhatsApp और Facebook पर, जहाँ पर भी आपके दोस्त रहते हैं, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।